तो भाई अभी हम खड़े हैं दरबार में, तो शायरी भाई ने एक शायरी लिखी है कि नकोदर दे विच लाडी शाह दी दा डेरा, तेरे बिना चित्त हुण लगदा ना मेरा, तेरे बिना चित्त हुण लगदा ना मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यार आज का व्लॉग सच में बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नकोदर। पहले हम जाएंगे नकोदर और उसके बाद हम जाएंगे अमृतसर, और वो पीछे जो है वो पीछे गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं। तो चलिए फिर, मेरे साथ है अंकित, गोली और शहरी भाई है, और मिलन है, और मैं हूँ। तो चलिए फिर अभी हम पहले नकोदर चलते हैं। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं फ्लोर के पास, और यहाँ से रह जाता है सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से नकोदर। और अभी हम रुके हैं कुलचा खाने के लिए, तो कुलचा खा के फिर चलते हैं। ये पीछे है कुलचे वाला। कितने की है? 20 रुपए की। बोल बोल सर, कितने का है? कितने का है? 50। कम का लगाओ। ये तो 40 हुए। कुलचा खा के भाई चल रहे हैं हम आगे की तरफ। कुलचा हो चुका है, और कुलचा है 20 रुपए का। तो चलिए फिर अभी यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया है। तो गाइस अभी हम यहाँ से चलने वाले हैं, और पेट पूजा होगी, भूख लग रही थी यार। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से नकोदर, और यहाँ से सिर्फ है 40 किलोमीटर है यहाँ। तो चलिए फिर। तेरी रहे मतों का दरिया आजा, 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 तेरी रहे मतों का दरिया। सरे तो अभी हम पहुंच चुके हैं नकोदर, और वो रहा इस साइड दरबार साहब, ये देखिए दरबार है। तो अभी हम जाएंगे अंदर। तो अभी हम मुंह धोने जा रहे हैं, दरबार साहब पहुंच गए हम। आपको दर्शन कराएं। अंकित भाई मुंह धो रहा है।
मंकी दौर तो लग गए हैं भाई रील्स वगैरह बनाने में। और ये देखो ये लग रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे बाहर की तरफ, ये है बाहर जाने का रास्ता, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये इस साइड चाय का प्रसाद है यहाँ पे, ये देखिए। और अभी हम लंगर हॉल है जो वो बैक साइड में है इसकी। गाइज अभी हम खड़े हैं यार दरबार साहब में, ये है नकोदर का दरबार। अंदर कैमरा लेना अलाउड नहीं था इसलिए जितना उसका हमने आपको दिखाया अंदर से। और ये प्रसाद मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे लाडी शाह जी और बाबा मुराद शाह जी की गद्दी है। तो यहाँ पे बहुत, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे आगे ना सच में बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो बाबा विक्की साई जी और बापू लाल बादशाह की दरगाह जी पे जा रहे हैं, यहीं पास में ही है। तो चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं। गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं बापू लाल बादशाह जी के दरबार में, तो चलिए अंदर चलते हैं। अंकित और तो वो जा रहे हैं और गोली मेरे साथ है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बापू लाल बादशाह जी के दरगाह में, तो चलिए। मुझे यहाँ पे इतना कुछ पता नहीं है ना, नकोदर का तो मुझे थोड़ा बहुत पता भी था और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। नूरे नबी से दिल को मुनव्वर बना दिया, समंदर बना दिया, तेरे कर्म की ख्वाजा मैं और क्या मिसाल दूं, किस्मत का तूने मुझको सिकंदर बना दिया। करम 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 तेरा 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 करम करम। तो गाइस दरगाह से हम आ चुके हैं वापस गाड़ी में और अंधेरा हो चुका है। क्या टाइम हो गया भाई, क्या टाइम हो गया? 7 बज गए, उन्होंने तो पता ही नहीं लगा कि अंधेरा हो गया। तो भाई 7 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं विक्की शाह जी के दरगाह, विक्की साई जी की दरगाह पे, है ना। इस साइड ये सारी दुकानें लगी हुई हैं। तुमने लुटाया है दर करदार का सदका, तूने दिया है अहमद मुख्तार का सदका, तेरा बड़ा एहसान मेरे खानदान पर, खाते हैं ख्वाजा हम तेरे दरबार का सदका, सदका 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 सदका। तो ये देखो भाइयों यहाँ पे कितनी ट्रॉफियां हैं यहाँ पे, है ना, ट्रॉफियां ट्रॉफियां हैं जो यहाँ पे मन्नत मांग के जाते हैं ना और उनकी मुरादें पूरी होती हैं, तो वो अपनी ट्रॉफियां यहाँ जिन्होंने सूखी होती हैं तो वो यहाँ चढ़ा के चले जाते हैं। और देखिए ये कितनी ट्रॉफियां हैं,
और अभी आपको एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो सारी बाइक है आप देख रहे हो ना, ये देखो इन पे लिखा हुआ है, देखो बेस्ट जाफी, बेस्ट रेडर। तो ये कबड्डी में या किसी टूर्नामेंट वगैरह में जीतती हुई बाइकें होती हैं, और यहाँ पे लोग जिन जिन की मुरादें पूरी होती हैं तो वो यहाँ पे गाड़ियाँ बाइक ऐसे ही चाबी लगी लगाई छोड़ के चले जाते हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये देखो यहाँ पे काफी सारी हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं उस साइड, वो देखो उस साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखिए, वो देखो लंडी जीप खड़ी है वहां पे। तो ये गाड़ियां हैं जो सारी, ये बाबा जी की गाड़ियां हैं सारी, जिनमें बाबा जी बैठ के कहीं जाते थे या कहीं जाना होता था, तो ये गाड़ियां हैं बाबा जी की। देखो इसमें तस्वीरें भी रखी हुई हैं। देखो ये रही गाड़ियां, वो देखो उस साइड भी हैं, और यहाँ पे जिनकी मुरादें पूरी होती हैं ना, वो देखो जो जो ये देखो कबड्डी गिफ्ट, ये सारी गाड़ियां लोग यहाँ पे खड़ी कर जाते हैं, इनमें ऐसी चाबी लगा के छोड़ जाते हैं जिन जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये BMS का मतलब है बाबा मुराद शाह जी, और यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उस साइड भी हैं, वो देखो बिल्कुल न्यू गाड़ियां यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं लोग। तो भाइयों मैं तो यहाँ पे आया हूँ यार, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे, और सच बताऊँ मेरा यहाँ आने का ना काफी बार प्लान बना और ऐसे ही कैंसिल हो जाता था रात के टाइम, कभी सोचते थे कि आज रात को निकलेंगे ना, फिर एंड मौके पे कैंसिल हो जाता था। मुझे आज आना था यहाँ पे, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप भी अगर यहाँ पे आते हो तो तीनों दरगाह पे जरूर आना, यहाँ पे सुकून मिलता है यार यहाँ आके, सच में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी जगह है। और मैं फर्स्ट टाइम आया तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। और यार अब हम जा रहे हैं यहाँ से अमृतसर के लिए, तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में।